नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज मेजर तथा विक्रम आज अपने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों क्या आज वीकेंड का इन फिल्मों को फायदा मिलने वाला है, कलेक्शन में कुछ सुधार होने वाला है या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के बारे में। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज का कल जो नेट कलेक्शन रहा है इंडिया का वो रहा है 1.66 करोड़ रुपीज, जबकि दोस्तों इसका प्रेडिक्शन करीब 1.50 करोड़ रुपीज था, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहा है। दोस्तों जहां तक आज की बात है तो आज ये फिल्म करीब 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार सम्राट पृथ्वीराज का प्रथम 9 दिनों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो जाता है 59.21 करोड़ रुपीज, जो कि बहुत ही कम है। और ये आप जान ही चुके हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी डिजास्टर साबित हो चुकी है। यश राज फिल्म्स के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, उनकी ये लगातार तीसरी डिजास्टर फिल्म है। दोस्तों इससे पहले जैस भाई जोरदार तथा बंटी और बबली 2 भी जिन्हें यश राज बैनर ने प्रोड्यूस किया था बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, और इस फिल्म से कम 200 करोड़ रुपए का लॉस उनको होने वाला है, इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा। और मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर पाएगी। तो दोस्तों अक्षय कुमार तथा यश राज फिल्म्स दोनों के लिए ही ये फिल्म जबरदस्त झटका साबित होने जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं विक्रम फिल्म की। दोस्तों विक्रम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर होने की ओर अग्रसर है और इसका कलेक्शन काफी अच्छा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं विक्रम फिल्म भी हिंदी में उतना अच्छा नहीं कर पा रही है जितना इसने तमिल वर्जन में तथा ओवरसीज में किया है। दोस्तों आपको बता देता हूँ आठवें दिन विक्रम फिल्म ने 8.21 करोड़ रुपीज का इंडिया नेट कलेक्शन किया सभी भाषाओं को मिला करके। इनमें से भी दोस्तों 7.05 करोड़ रुपए आया है इसका तमिल वर्जन से, 94 लाख रुपीज आया है इसका तेलुगु वर्जन से, और दोस्तों हिंदी से मात्र 22 लाख रुपए इसका आया है। हिंदी से मतलब कल का कलेक्शन केवल 22 लाख रुपए इसका आया है। दोस्तों जहां तक आज की बात करें तो आज इस फिल्म के कलेक्शन में करीब 50% का ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, और दोस्तों आज ये फिल्म करीब 15 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन सभी भाषाओं में मिला करके कर सकती है। तो दोस्तों ये फिल्म जबरदस्त तरीके से आज कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो प्रथम 9 दिनों का कलेक्शन है वो हो जाता है 167.16 करोड़ रुपीज, जो कि माइंड ब्लोइंग सुपर है। 120 से 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है, और दोस्तों अगर इसके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये 200 करोड़ रुपीज को पार कर गया है। करीब 201 करोड़ रुपए इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो गया है, और जहां तक वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये 300 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। दोस्तों आपको बता दूं लेकिन इस फिल्म ने हिंदी में 9 दिनों में मात्र 3 करोड़ 15-20 लाख रुपए के आसपास ही कलेक्शन करने में कामयाब रही है, मतलब केवल हिंदी में फिल्म डिजास्टर साबित हुई है, बाकी सभी जगह इस फिल्म का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, माइंड ब्लोइंग रहा है। और दोस्तों फिल्म अभी बहुत ही शानदार, क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे रिव्यूज फिल्म को दिए, और कमल हसन, फहद फसील तथा विजय सेतुपति की क्या पावर पैक्ड परफॉर्मेंस है, सूर्य का क्या केमियो है। तो दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, पता नहीं हिंदी में क्यों नहीं चल रही, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना करके वैसे आपको पूरी जानकारी दी है कि हिंदी में फिल्म डिजास्टर क्यों साबित हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जहां तक बात करें फिल्म मेजर की, तो दोस्तों मेजर फिल्म ने अपने 8वें दिन करीब 97 लाख रुपए का सभी भाषाओं को मिलाकर के कलेक्शन किया है, मतलब कलेक्शन में काफी ड्रॉप है, करीब 1 करोड़ रुपए का प्रेडिक्शन था कल का इसका, लेकिन इसका कलेक्शन है 97 लाख रुपीज। उसमें से भी दोस्तों तेलुगु वर्जन से 68 लाख रुपीज आए और हिंदी वर्जन से 29 लाख रुपीज का कलेक्शन ये फिल्म करने में कामयाब रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस फिल्म का जो प्रथम 9 दिनों का 9वें दिन का मैं आपको प्रेडिक्शन बता देता हूँ, 9वें दिन मतलब आज ये फिल्म करीब 50% का ग्रोथ दर्ज करेगी, और दोस्तों करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास ये कलेक्शन आज सभी भाषाओं को मिलाकर के करने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार 9 दिनों का मेजर फिल्म का कलेक्शन हो जाएगा 35.16 करोड़ रुपीज। दोस्तों इस फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपीज के आसपास है। अगर इस फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, 9 दिनों के ग्रॉस कलेक्शन की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 42 करोड़ रुपीज हो गया है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो करीब 64 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के फिल्म ठीक जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि नेट कलेक्शन के मामले में क्या ये 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को प्राप्त कर पाती है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से इसका कलेक्शन डे बाय डे लगातार कम हो रहा है, और दोस्तों हिंदी वर्जन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हिंदी में इस फिल्म का कलेक्शन अभी तक करीब 7.5 करोड़ रुपए के आसपास ही हुआ है, मतलब
वैसे अगर पूरा देखा जाए आज का भी इसमें ऐड कर लिया जाए तो करीब 7 करोड़ 90 लाख मतलब 8 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन हिंदी वर्जन में हुआ है। तो हिंदी वर्जन से अगर इसका कलेक्शन अच्छा आ जाता 20-30 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से आ जाते तो दोस्तों फिर ये फिल्म काफी बड़ी हिट हो सकती थी। लेकिन अब तो ये लगता नहीं कि ये फिल्म अपना लाइफ टाइम कलेक्शन 50 करोड़ को भी पार कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से कलेक्शन डे बाई डे कम हो रहा है फिल्म का तो उससे ये उम्मीद नहीं रही है कि फिल्म 50 करोड़ तक भी पहुंच पाएगी। हो सकता है फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 40 करोड़ से 45 करोड़ रुपए के आसपास ही रहे, जहां तक इंडियन नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतने, आपको ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।